जी क्या मसला है आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे को 5 महीने हो गए हैं, वो दूध यही पी रहा है, बाहरी से लाते थे, डिब्बा वाला लाते थे, उसकी वजह से इसका मैदा ना खराब रहता था, इसकी वजह से नहीं दूध लाते थे और खुला देते थे। अच्छा, तो कौन कौन से पहले आप दूध पिलाती रही हैं इसको? डिब्बे वाले? डिब्बे वाले पिलाते रहे हैं, बाहर से लाते थे, वही देते थे, कभी खुला दे देते, कोरोना की वजह से हमने खुला पिलाना कर पिलाना पिलाते थे, फिर बाद में इसका मैदा खराब हो जाता था। तो आप कौन सा दूध आपने पिलाया है जिससे इसका थोड़ा बहुत मैदा ठीक हुआ है या इसने कुछ सेहत पकड़ी है? अच्छा, ये दूध अच्छा है? हाँ जी, इसकी सेहत भी थोड़ी सी जावे से सही हो गई है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, ये दूध बहुत अच्छा है, इसे रास्ता आ गया। उसके बाद जो ना कोरोना का मसला बन गया तो खुला दूध देते हैं, खुले दूध से इसका मैदा और इसकी गुटियाँ लगी हैं, इसकी सेहत कमजोर हो गई है, ये परेशान। तो कितनी आमदन है महीने की आपकी, कितने बच्चे हैं, कैसे गुजारा करते हैं? 17-18 हज़ार, 19 हज़ार। और गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? गुजारा बस ऐसे जैसे मालूम बताता है। तो पहले कौन कौन से आप दूध पिला चुके हैं इसको जो इसको रास नहीं आए? वो तो बन रहे हैं, अभी 6 महीने के बाद इसको टूल लगना था, वो तो हमने पिलाया ही नहीं, वो हालात खराब होने की वजह से कोरोना के वजह से। तो अब कौन सा दूध आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है जिससे बच्चे की सेहत बेहतर हो रही है? ये जो दूध जो प्लान है ना, ये जो हमने पिलाया इसके साथ इसका मैदा भी ठीक हुआ है, सेहत भी ठीक हुई है, और ये फोटी भी इसकी रोकी, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं दूध के, जो इसके साथ हमारे बच्चे की जो सेहत है ना अच्छी बनी। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आप इस कंपनी के लिए? कंपनी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं।